देखें हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द एंड्स पी एंड क्यू ऑफ स्ट्रिंग मूव्स डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड यू. पुलीज B and C are frictionless and fixed. The mass M moves up with speed. चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2u cos theta, u by cos theta, 2u by cos theta और u cos theta. ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझें. कह रहा अपने पास ये फिगर है. अब इसमें कह रहा है ये अपने पास दो पुलीज हैं जो कि फ्रिक्शनलेस है. इसके ऊपर जो थ्रेड जा रही है मासलेस है. और यहां पे दो इसके दो एंड्स हैं थ्रेड के, एक पी एंड है और एक क्यू एंड है. और दूसरे एंड जो है एक मास से कनेक्टेड है कैपिटल. अब कह रहा है कि अगर हमने पी एंड को और क्यू एंड को दोनों को खींचा यू स्पीड से तो ये एम वाला क्या होगा, ये ऊपर जाएगा. कह रहा है कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड भी क्या होगी. चार ऑप्शन दिया आपने को, 2u cos theta या u cos theta या 2u by cos theta या u cos theta. चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. आज देखें अगर मैं कहूं ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं हम d और ये डिस्टेंस जो डायगोनल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं अपनी है L और ये वाली डिस्टेंस जो है अपर ये मान लेते हैं Y है. तो हमने कहा कि यहां से आप क्या देख रहे हैं, क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. मान लो कि ये एंगल है थीटा. अगर ये एक राइट एंगल बन रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम, क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. अच्छा इसमें अगर हम ध्यान से देखें क्या ये एल टाइम के साथ चेंज होगा, आप कहोगे यस टाइम के साथ चेंज होगा एल. क्यों चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये रस्सी नीचे आएगी क्या ये वाली रस्सी की ये वाली लेंथ कम होगी और ये वाली लेंथ भी कम होगी. तो हम कहेंगे भाई साहब ऑटोमेटिकली एल अपना क्या होगा, कम होगा. जब हमारी रस्सी ऐसे ही खींची जाएगी पी एंड और क्यू एंड तो एल हमारा क्या होगा, कम होगा. वाई की बात करते हैं, क्या वाई भी चेंज होगा टाइम के साथ, यस ये भी चेंज होगा. क्या ये जैसे जैसे अपना मास ऊपर जाएगा क्या वाई भी घटेगा, तो हमने कहा यस ये भी घटेगा. बट डी के बारे में बात करें तो हम कहेंगे डी हमारा वो चेंज नहीं होगा. डी चेंज नहीं होगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं With respect to t, तो अपने पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2l dl by dt equals to 2y dy upon dt plus d तो constant है तो हम कहेंगे इसका क्या आ जाएगा, जीरो. d का differentiation क्या आएगा, ठीक. तो अपने पास आया L dl upon dt. ये मैंने कैसे लिखा है, इसमें मैंने अप्लाई किया है चैन रूल. क्या अप्लाई किया है, चैन रूल, डिफरेंशिएशन का चैन रूल इक्वल्स टू y dy by dt. क्या ये L चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यस चेंज हो रहा है L. L चेंज हो रहा है और कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, आप कहोगे यू
मतलब dl by dt की वैल्यू क्या है, u के, तो हम कहेंगे l into u। अच्छा u क्या है, प्लस है या माइनस है, l टाइम के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है, आप कहेंगे कम हो रहा है, l क्या हो रहा है कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या है कि ये जो dl by dt है ये क्या है, इसको हमें इसमें एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि u तो क्या है स्पीड है। इसी तरीके से इक्वल्स टू y dy by dt, dy by dt क्या है, क्या ये स्पीड ऑफ, क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है। अगर हमने माना हुआ है कि ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है v, v है या फिर माइनस v है, तो हम कहेंगे y जो है वो कम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे माइनस v। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू L upon U, L upon Y into U। ये L upon Y अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कहा भाई साहब ये एंगल है थीटा, L by Y, अगर Y by L होता तो क्या ये cos थीटा होता, L by Y को मैं क्या लिख सकता हूँ U by cos थीटा, इसका मतलब V की वैल्यू क्या आई U upon cos थीटा, ये आए हमारा आंसर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक।